हैदराबाद में पिछले दिनों हुए एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में आम जनता सहित फिल्म इंडस्ट्री ने भी रोष जताते हुए दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की थी। हैदराबाद पुलिस चारों आरोपियों को जांच पड़ताल के लिए घटनास्थल पर लेकर गई थी। इस दौरान चारों आरोपियों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। इस घटना पर बॉलीवुड, टॉलीवुड और टीवी स्टार्स ने भी ट्वीट कर अपने अपने रिएक्शन दिए हैं। कोई पुलिस का समर्थन कर रहा है तो कोई सवाल भी उठा रहा है। बॉलीवुड में भी कई फिल्मों में पुलिस का एनकाउंटर दिखाया गया है। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनमें पुलिस आरोपियों का एनकाउंटर कर देती है। इनमें से कई फिल्मों की कहानियां महिला हिंसा पर भी आधारित थी। बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जो एनकाउंटर पर ही आधारित हैं। पिछले साल रिलीज हुई फिल्म सिम्बा की कहानी भी बलात्कार आरोपी के एनकाउंटर पर बेस्ड थी। इसमें पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे एक्टर रणवीर सिंह बलात्कार के आरोपी को गोली से उड़ा देते हैं। वर्ष 2004 में आई सलमान खान स्टारर फिल्म गर्व, 2014 में आई रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी की कहानी भी इस एनकाउंटर वाली घटना से खासी मिलती जुलती है। इसमें रानी एक पुलिस ऑफिसर के रोल में थी जो रेपिस्ट का एनकाउंटर करती है। अब इसका सीक्वल मर्दानी 2 भी रिलीज होने जा रहा है। 2011 में आई अजय देवगन स्टारर सिंघम की कहानी भी कुछ इसी तरह की थी। इसके अलावा ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। हैदराबाद एनकाउंटर की खबर के बाद लोग लगातार सोशल मीडिया पर अपने व्यूज दे रहे हैं। ऐसे में कुछ का कहना है कि कहीं ये एनकाउंटर फिल्म सिम्बा को देखकर तो नहीं किया गया। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, पुलिस ऑफिसर पुलिस थाने में ही आरोपी को गोली मार देता है। बाद में बताया जाता है कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे शूट किया गया। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्विटर पर लिखा, चारों बलात्कारियों को एनकाउंटर में मार गिराने के लिए मुबारक हो। लोगों ने ऐसा घिनौना अपराध करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई थी और उनके लिए खतरनाक से खतरनाक सजा भी चाही थी। ऋषि कपूर ने ट्वीट कर तेलंगाना पुलिस की तारीफ की है। उन्होंने लिखा, ब्रावो तेलंगाना पुलिस, मेरी बधाइयां। सिंगर से राजनेता बने बाबुल सुप्रियो ने एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपियों को नरभक्षी बताते हुए लिखा है कि मानवाधिकार इंसानों के लिए होते हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं। वहीं अभिनेता रणवीर शौरी ने लिखा, न्याय प्रणाली का विकृत होना समाज में विकृतियों से निपटने का जवाब नहीं हो सकता, न्याय प्रणाली को ठीक करना है। रजा मुराद ने मंजर भोपाली की शायरी कहकर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे, हमारी नियत है तुम्हारी जैसी, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। वहीं कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठाए हैं। फिल्मकार अनुभव सिन्हा ने अशोक पंडित के एनकाउंटर के सपोर्ट में किए गए ट्वीट को शेयर करते हुए तंज कसा। उन्होंने लिखा, नहीं, सवाल तो खैर बिल्कुल पूछने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिग बॉस के कंटेस्टेंट तहसीन पूनावाला ने भी सवाल उठाए हैं। इस घटना पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। रकुल प्रीत ने तेलंगाना पुलिस को सपोर्ट करते हुए लिखा, रेप जैसे अपराध को अंजाम देने के बाद तुम कहां तक भाग पाओगे। एक्ट्रेस सोनल चौहान ने हैदराबाद पुलिस को सैल्यूट करते हुए लिखा, आप हमारे रियल हीरो हैं, हमें आप पर गर्व है, न्याय किया गया है। कंगना रनौत की बहन रंगोली ने भी लिखा, न्याय उसी जगह हुआ है जहां जुर्म हुआ। टीवी स्टार्स भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। हिना खान ने इंस्टा स्टोरी पर आईपीएस वीसी सज्जनर को सिंघम बताते हुए लिखा, पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूं। अभिनेत्री काम्या पंजाबी ने हैदराबाद पुलिस की तारीफ करते हुए ट्वीट किया, तेलंगाना पुलिस ने अच्छा काम किया, न्याय हुआ। समोना चक्रवर्ती ने भी एनकाउंटर के लिए पुलिस को सलाम किया है। बॉलीवुड और टीवी के साउथ फिल्म इंडस्ट्री से भी कई बड़े स्टार्स ने इस मामले पर अपने विचार साझा किए हैं। साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी ने कहा, इस सुबह एक खबर सुनते हुए उठा और लगा कि न्याय हुआ है। अल्लू अर्जुन ने ट्वीट कर लिखा, मिल गया न्याय। कई अन्य स्टार्स ने भी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपने रिएक्शन दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।